नागरिकता देने का विधेयक और उसके लिए नियम किस के तहत आप उसको आवेदन करेंगे, 2014 से पहले पूर्व आए हुए शरणार्थी अगर उसको पढ़ेंगे तो मुझे लगता है इससे लोगों को सहजता और आसानी हुई जो वर्षों से, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो या बगल में बांग्लादेश हो, और स्पेशली उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की चर्चा या बातचीत, खासकर इस्लाम को मानने वाले, बौद्ध को मानने वाले, जैन पारसी को मानने वाले, लेकिन दोनों को मिक्स करके विपक्ष जो लोग भी बात करते हैं, मैं तार्किक बात नहीं करते। अब सीए की बात करिए तो एनआरसी को उसमें इंक्लूड कर देते हैं, अगर आप वैसे साहब का बयान सुनिए, जबकि दोनों चीजें अलग है। एनआरसी में यह है कि जो लोग अनरजिस्टर्ड तरीके से बिना किसी सूचना के, जानकारी के, परमिशन के, बिना नियम के देश में घुस आए हैं, अगर उनकी संख्या की काउंटिंग होकर के उनको नियमबद्ध किया जाएगा तो क्या परेशानी है। दूसरी तरफ देश के संविधान में जो भी सरकारें पहले भी रही हैं, सरकारें आगे भी रहेंगी, उनको अपने देश के हित में नियम कानून बनाना या उसको लागू करना वो उनका अधिकार है।